हेलो दोस्तों, वेलकम टू JSS एजुकेशन। जैसा है कि उत्पाद सिपाही और स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम होने वाला है और उत्पाद सिपाही का तो एडमिट कार्ड भी आ गया है जो 4 अगस्त को होने वाला है। सभी लोग तैयारी में पूरी तरह जुड़े हुए हैं, तो हम सोचे कि हम भी आप लोगों में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोगों ने मेरे लेक्चर को बहुत सराहा है, ज्योग्राफी वाला लेक्चर को, हिस्ट्री वाला लेक्चर को बहुत प्यार दिया आप लोगों, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वो मोटिवेशन देता है कि आप लोगों के लिए कुछ नया नया चीज़ मैं लेके आऊँ हमेशा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्पल रिलेटेड जितने सारे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं झारखंड के सारे एग्जाम में, वही हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इसको कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका 90% से ज्यादा क्वेश्चन अगर टेम्पल से पूछेंगे झारखंड से, तो आपको इसी वीडियो से पूछा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बताया जाएगा आपको PDF नोट यहाँ से कैसे मिलेगा इसका। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे और एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हिंदी में होगा विथ फोटोज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? आप इस वीडियो को यहीं पॉज करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही, उसके बाद ही आप वीडियो को आगे देखेंगे। ठीक है, तो झारखंड में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये देखिए, ये सन टेम्पल है झारखंड का, ये हमारा स्थित है बुंडू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्यनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ पर स्थित है? आप देखिए, ऑप्शन है खूंटी, देवघर, जमशेदपुर, बराकर। तो ये है वैद्यनाथ मंदिर, फोटो देखने के साथ आपको पता चल गया होगा ये तो देवघर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है देवघर। नेक्स्ट करते हैं, रांची के कांके में एक मंदिर है जिसका नाम है बोड़िया मंदिर। ठीक है, जिसके निर्माण में कितना साल लग गया? 17, 21, 14 या 9? ठीक है, इसका आंसर है 17। नेक्स्ट, झारखंड में एक गांव है मलूटी, जिसे मंदिरों का गांव बोला जाता है। ठीक है, तो मलूटी जो है उसमें जो 72 तो मलूटी में जितने सारे मंदिरें बने हैं वो कौन से वंश ने बनवाए हैं, या किस वंश से वो संबंधित है? पाल वंश, प्रतिहार, शुंग वंश या शशांक वंश? तो ये देखिए, ये मलूटी है जिसे मंदिरों का गांव कहा जाता है झारखंड का, तो ये संबंधित है पाल वंश से। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर ये किस जिले में है? रामगढ़, रांची, हजारीबाग या रजरप्पा? ठीक है, तो ये देखिए, ये छिन्नमस्तिका मंदिर है। पहले तो मैं बता दूं, ये जिले के बारे में पूछा हुआ है, तो रजरप्पा कोई जिला नहीं है। ठीक है, रजरप्पा में ही ये स्थित है, जगह है, लेकिन रजरप्पा जिला नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रामगढ़ जिला में स्थित है। अगर पूछे किस जगह पर स्थित है, तो अगर जिला नहीं रहेगा तब आपका आंसर वहां पे क्या हो गया? रजरप्पा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सरहुल पूजा होता है, ठीक है, जो सरहुल पूजा होता है उसमें ग्रामीण लोग किसको घेरते हैं, किसको घेर के पूजा करते हैं? सरना को, टेम्पल को, शमशान को या गिरजाघर को? वो सरना को घेर कर पूजा करते हैं उनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट है, अगर इस तरह के जो मेरे वीडियो सारे देखे हैं, जैसे ज्योग्राफी मैंने टोटल 5 घंटा में कंप्लीट कराया है और हिस्ट्री का लेक्चर भी मैंने कंप्लीट करा रहा हूँ उसमें। ठीक है, और इसी बीच आप लोग उसको बहुत सराहे हैं, तो इसी बीच मैं क्या, तो आप लोग के हेवी डिमांड पर हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। एक्साइज कॉन्स्टेबल का मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लाया है, ये दोनों लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। आपको इसे कैसे खरीदना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें टोटल का टोटल 20 सेट्स है, जिसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट है और 5 स्पेशल करंट अफेयर मैंने बनाया गया है उसमें, जिससे आप लोग तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर उटारी में एक मंदिर स्थित है, बाबा बंशीधर मंदिर। ठीक है, वो सोने से बनी हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये बंशीधर मंदिर है, ये पूरा का पूरा सोने से बनी हुई है। ठीक है, आपको बताना है इस मूर्ति का वजन कितना है, 1280 ग्राम, 1100 या 1560 ग्राम या 1400? ये है 1280 ग्राम की मूर्ति। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? नगर उंटारी में। आप लोगों को इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबा बंशीधर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आप पूरा एक अच्छे से वीडियो से देखेंगे और फोटो समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट जाते हैं, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है? ठीक है, कौन सा ऐसा मंदिर है जहां पे माना जाता है कि वहां पे अगर अंतिम संस्कार हो गया तो पुण्य मिलेगा या फिर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? आपके पास ऑप्शन है महाकाल मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और शिव शक्ति मंदिर। तो आप लोगों को फोटो देखने पता चलेगा आंसर क्या होगा, इसका आंसर है वैद्यनाथ मंदिर। झारखंड के किस मंदिर में श्रावण में प्रसिद्ध मेला लगाया जाता है? ठीक है, तो श्रावण के मंदिर में आप लोगों को पता है, सबको जानते हैं, बोलबम, बोलबम मतलब बाबा धाम, जिसको नाम से जाना जाता है, शिव जी का पूजा होता है वहां पे, उनका आंसर भी क्या है? वैद्यनाथ मंदिर। वो कहाँ पे स्थित है? देवघर में। नेक्स्ट,
भारत में एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। मैं आपको बता दूं, ज्योतिर्लिंग आपको पता होगा, जो भगवान शिव का जो लिंग होता है ऐसे करके, अब जहां पे तीन ऐसे होते हैं वहां पे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और शक्तिपीठ क्या होता है आप लोगों को पता होगा, अगर आप हिंदू हैं और आपको नॉलेज है थोड़ा मैथोलॉजी की, तो जो सती माता थी, ठीक है, जो सती माता थी उनका जब जब स्वा देहावसान हो गया, जब खुद से वो डेथ कर गई थी, खुद से अपने शरीर को जला ली थी, तो उनका शरीर को जो शिव जी थे वो इधर उधर पूरा ब्रह्मांड में लेके घूम रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो विष्णु भगवान थे उनके शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तो वो शरीर जहां जहां उसका एक एक पार्ट गिरा है वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई है, ठीक है। तो ये जो देवघर का वैद्यनाथ मंदिर है, इकलौता ऐसा मंदिर है भारत में जहां पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ में है, ठीक है। बाकी शक्तिपीठ अलग अलग जगहों बहुत सारे बटे हुए हैं, लेकिन एक जगह में जहां ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ है वो है सिर्फ वैद्यनाथ मंदिर, वो है देवघर में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे पहाड़ी मंदिर। ये पहाड़ी मंदिर ये रांची में स्थित है, ये देखिए ये पहाड़ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई ये आपको छोटा सा यहाँ दिख रहा होगा, ये मंदिर है, ठीक है, इसको पहाड़ी मंदिर कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है, ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए बाबा टांगीनाथ धाम प्रवेश द्वार, ये टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। टांगीनाथ मंदिर में कहा जाता है कि जो वहां पे तलवार है उसमें कभी भी जंग नहीं लगता है, वो ओपन है सोर्स से, ठीक है, मतलब हवा पानी वहां लगते रहता है, लेकिन वो आज तक कभी जंग नहीं लगा है। तो वो स्थित है गुमला में, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट करते हैं, एक फेमस जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल एक उड़ीसा में भी है, पुरी जिसे कहा जाता है, ठीक है, और उसी का रेप्लिका बनाया गया है झारखंड के रांची में, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट होता है या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और आपको पीडीएफ यहाँ पर कैसे मिलेगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे अपलोडेड है वहां पे, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़ सकते हैं, उसके लिए मुझे आपको हाई लोकेशन भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं आपको वहां पे पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगी जस्ट व्हाट्सएप मी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी आएगा, थैंक यू।